नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 8, लीनियर इन इक्वेशंस। देखिए, आपने 10th और 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? लीनियर इन इक्वेशंस। आपने पढ़ा था ना लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, फिर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? लीनियर इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल और इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, लीनियर इन इक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो चलिए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज करो कि सबसे पहले तो मैं आपको इक्वेशन बताती हूँ, ठीक है। आपके पास 100 रुपीज़ हैं, आप क्या कर रहे हो, इसको लेकर के ना चॉकलेट खरीदने जा रहे हो। तो आप चॉकलेट खरीदने गए, आपने सपोज करो कि आपने 14 चॉकलेट्स खरीद ली, ठीक है। और हर एक चॉकलेट का जो प्राइस है वो कितना है, X रुपीज़ है। आपने 14 चॉकलेट्स खरीदी, एक चॉकलेट का प्राइस कितना है, X है। और जब आपने उस दुकानदार को पैसे दिए तो उसने आपको कुछ भी रिटर्न नहीं किया, मतलब 100 के 100 रुपीज़ उसने ले लिया। तो इसको आप कैसे लिखोगे, 14x = 100, क्योंकि जब आपने उसको 100 रुपीज़ दिए तो उसने आपको कुछ भी रिटर्न नहीं किया, मतलब 14x किसके इक्वल में है, 100 के इक्वल में है। ये तो क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये इक्वेशन है। अभी इसी में देखो, यही एग्जांपल से हम इनइक्वालिटी को भी समझेंगे। जैसे आपके पास 100 रुपीज़ है, आप 100 रुपीज़ लेकर के चॉकलेट खरीदने के लिए गए, आपने 14 चॉकलेट्स खरीदी और एक चॉकलेट का प्राइस कितना है, एक्स है। लेकिन इस बार क्या होता है कि जब आप दुकानदार को पैसे देते हो तो वो आपको कुछ ना पैसे रिटर्न दे रहा है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे इसको आप कैसे लिखोगे, 14x = 100। क्यों? क्योंकि जब आपने 14 चॉकलेट्स खरीदी, एक का प्राइस कितना है, x है, मतलब 14x = 100। देखो आपको 100 में से ना कुछ पैसे रिटर्न मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसने पूरे के पूरा ले लिया, उसने कुछ आपको रिटर्न दिया ना। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 14x = 100, मतलब 14x 100 से क्या है, छोटा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है इन इक्वेशन। समझ में आया आपको, ये है लीनियर इन इक्वेशन। अब मैं आपको लीनियर का भी मतलब बताते चलूं। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो वेरिएबल है इसका डिग्री कितना है, इसका पावर कितना है, 1 है। तो देखो जहाँ पे भी वेरिएबल का पावर 1 रहेगा ना, उसे आप क्या बोलोगे, लीनियर इन इक्वेशन बोलोगे, ठीक है। तो आपने ये लीनियर इन इक्वेलिटी समझ ली। अब इसको हम डेफिनेशन से समझते हैं, ठीक है। तो क्या दिया यहाँ पर, अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग रियल नंबर्स और टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड सिम्बॉल्स ग्रेटर देन लेस देन, लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इज कॉल्ड एन इनइक्वलिटी और इन इक्वेशन। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए देख लो आप, मैं आपको एक और एग्जाम्पल लिख के बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर 3x + y = 50, तो ये भी क्या है, ये एक इन इक्वेशन है, मतलब लीनियर इन इक्वेशन है, ठीक है। तो आपने लीनियर इन इक्वेशन समझ लिया। अब यहाँ पर हम टाइप्स देखेंगे, टाइप बेस्ड ऑन साइन। साइन के बेस पे जो लीनियर इन इक्वेशंस होते हैं ना, इनके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्या है, स्ट्रिक्ट इन इक्वलिटीज। तो स्ट्रिक्ट इन इक्वलिटी में क्या होता है कि इसमें ना कौन से साइन आते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन। समझ में आ रहा है आपको, ग्रेटर देन और लेस देन। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए देखिए, 4x - y = 1, और यहाँ पर 10x = 50। तो यहाँ पे कौन से साइन आ रहे हैं, ये ग्रेटर देन और लेस देन का, इट मीन्स ये क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज ये दोनों हैं। अभी स्लैक इनइक्वलिटीज, मतलब इसमें ना कौन से साइन आते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू और लेस देन और इक्वल्स टू। समझ में आया आपको, देखो इसमें कौन से साइन आएंगे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, फिर लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर x + y = 1 या फिर 2x + 3y = 10। समझ में आया, तो ये है स्लैक इनइक्वलिटीज और ये दोनों क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज, ठीक है। तो आपने इतना समझ लिया। चलिए अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटीज। जैसे देखो जब कोई इक्वेशन होता था
तो अगर आपको सॉल्यूशन उसका फाइंड करने बोलता था तो आप क्या करते थे, x का वैल्यू निकाल लेते थे, है ना। तो आप बोल देते थे कि x इज इक्वल टू, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे x प्लस फाइव इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, ये इक्वेशन है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या होता था, 10 माइनस फाइव, मतलब x इज इक्वल टू 5। तो आप यहाँ पर क्या कहते थे कि x इज इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ऐसा कहते थे ना। तो इसमें क्या होता था, x का बस एक ही वैल्यू आता था, लेकिन इसमें क्या होता है ना, x का कोई एक वैल्यू नहीं आएगा, इसमें x के ना कई सारे वैल्यूज आएंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, चलिए इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स मेकिंग द इनइक्वालिटी अ ट्रू स्टेटमेंट आर कॉल्ड सॉल्यूशंस ऑफ इनइक्वालिटी। मतलब क्या हुआ इसका कि देखिए, वेरिएबल्स की वो वैल्यूज जो क्या करते हैं, जो इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट रहता है ना उसको ट्रू करते हैं, ठीक है, उसको ट्रू करते हैं, उन वैल्यूज को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज कहेंगे, ठीक है। आप इतना समझ गए। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, सॉल्यूशन सेट, आपको ये भी देखना है। अभी सॉल्यूशन सेट का मतलब क्या होता है, जैसे देखो मैंने आपको क्या बताया कि x का कोई एक वैल्यू नहीं आएगा, x के कई सारे वैल्यूज आएंगे, ठीक है। तो वो जो वैल्यूज है ना उनको जब हम एक सेट में करके लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन सेट कहते हैं। आप पढ़ सकते हो, द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ एन इनइक्वालिटी इज कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, रूल्स ऑफ एन इनइक्वालिटी। तो ये जो इनइक्वालिटी के रूल्स है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको याद रखना है। वैसे बहुत ही इजी है, आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएंगे और आप इनको याद भी करके रख सकते हो। तो देखिए, फर्स्ट रूल क्या कहता है कि इक्वल नंबर्स में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। मतलब क्या हुआ इसका कि जैसे आपके पास कोई इनइक्वालिटी है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लेती हूँ, मेरे पास इनइक्वालिटी क्या है, x इज लेस देन 10, ठीक है, मेरे पास ये इनइक्वालिटी है। अब मैं इसमें किसी भी नंबर को दोनों साइड में, ठीक है, दोनों साइड में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। ऐसा करने से ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ना वो चेंज नहीं होगा। जैसे देखो मैंने यहाँ पर, मैं क्या करती हूँ, x माइनस टू इधर लिखती हूँ, फिर मैं इधर 10 माइनस टू लिखती हूँ, मैंने दोनों साइड में क्या किया, माइनस टू कर दिया। तो यहाँ पर ये जो साइन है ना ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। चाहे तो मैं इधर प्लस भी कर सकती हूँ, जैसे x प्लस टू 10 प्लस टू, तो इस कंडीशन में भी यहाँ पर जो साइन है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट रूल, आपको ये याद रखना है। अब सेकेंड रूल क्या कहता है, बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाई द सेम पॉजिटिव नंबर विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। मतलब क्या हुआ इसका कि जैसे सपोज करो कि आपके पास कोई इनइक्वालिटी है, जैसे x इज ग्रेटर देन 20, ठीक है, ये आपके पास इनइक्वालिटी है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी एक नंबर से डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों साइड को। इस कंडीशन में जो साइन है ना इनइक्वालिटी का वो चेंज नहीं होगा। जैसे देखिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ना मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन है ना वो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है तो ग्रेटर देन का ही रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाइड हो गया डिवाइड, अगर आप चाहो तो यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी ये जो साइन है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब वो चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, x अपॉन 5 लिख सकती हूँ और यहाँ पर 20 अपॉन 5 लिख सकती हूँ। तो इस कंडीशन में भी जो साइन है, देखिए चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, जैसा था वो पहले जैसा ही है, समझ में आया आपको। अब थर्ड रूल देखते हैं, क्या है कि व्हेन बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाई अ निगेटिव नंबर देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड। अभी इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास क्या है, मेरे पास एक इनइक्वालिटी है, देखो x इज लेस देन 25, ठीक है, मेरे पास ये इनइक्वालिटी है। अब यहाँ पर बोल क्या रहा है, देखो अब ध्यान से देखना है, इसमें आपको क्या याद रखना है, निगेटिव नंबर, इसमें आपको पॉजिटिव नंबर याद रखना है, इसमें आपको निगेटिव नंबर याद रखना है। तो जो भी इनइक्वालिटी दिया रहेगा उसमें अगर आप किसी निगेटिव नंबर से
मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हो तो जो इनइक्वलिटी का साइन है वो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, माइनस वन से ना समझो कि मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, तो एक्स इंटू माइनस वन, फिर 25 इंटू माइनस वन, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो साइन है ना ये उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, पहले क्या था, लेस देन था, अब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। ऐसे ही आप जब डिवाइड करोगे तो भी सेम जो साइन है इनइक्वलिटी का वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये थ्री रूल्स याद रखने। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्या देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए यहाँ पे नोटेशंस दिए हुए हैं, यहाँ पर हम इनइक्वलिटी लिखेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे आप इनको ग्राफ पे शो कर सकते हो, मतलब नंबर लाइन पे आप कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। अब मैंने यहाँ पे क्लोज इंटरवल क्यों बोला, क्योंकि देखो ये जो ए और बी है ये किस में है, स्क्वायर ब्रैकेट में है ना, तो यहाँ पर आप इसको क्या बोलोगे, क्लोज इंटरवल। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब इसकी इनइक्वलिटी इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखिए यहाँ पर x मैंने लिख दिया, यहाँ पर a लिख दिया, यहाँ पर b लिख दिया, ठीक है, ये क्या है, क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड x इज लेस देन और इक्वल टू b। समझ में आया आपको, चलिए मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या हुआ, कि x का वैल्यू ए या फिर ए से ज़्यादा, मतलब ए से बड़े जो भी नंबर्स है वो सभी हो सकते हैं एक्स के वैल्यूज, और एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, बी, या फिर बी से छोटे जितने भी नंबर्स हैं वो सभी एक्स के वैल्यूज हो सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जब इक्वल आ जाता है ना तो इसका मतलब क्या, कि ए और बी दोनों इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, ए मतलब एक्स का वैल्यू ए भी हो सकता है और एक्स का वैल्यू बी भी हो सकता है, और x के वैल्यूज ना a और b के बीच में जितने भी सभी नंबर्स आएंगे, ठीक है, वो सभी हो सकते हैं। समझ में आ गया आपको इतना। अब हम देखते हैं कि नंबर लाइन पे हम इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो सपोज करो कि यहाँ पे a है और यहाँ पर है b, ठीक है, ये हो गया b। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, यहाँ पर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है ना, तो A पर आप क्या करो, ऐसे एक सर्कल बनाओ और इस सर्कल को आपको क्या करना है, पूरा के पूरा ना ऐसे फील कर देना है। ठीक है, आपको एक रिजिड सर्कल बनाना है। समझ में आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर B क्या दिया है कि x इज लेस देन और इक्वल टू, इक्वल आ गया मतलब आप B पे ना एक सर्कल बनाओ और फिर इसको पूरा के पूरा ऐसे फील कर दो। ठीक है, और तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये जो है ना इसको हम थोड़ा बोल्ड कर देंगे, मतलब हाईलाइट करेंगे, चाहे आप पेंसिल से ऐसे करके या फिर किसी पेन से भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे यहाँ पे थोड़ा डार्क कर दे रही हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स के वैल्यूज कौन कौन से हो सकते हैं, एक्स का वैल्यू ए हो सकता है, बी हो सकता है, या फिर ए और बी के बीच में जितने भी सभी नंबर्स हैं वो सभी एक्स के वैल्यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड देखिए क्या है, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। अब मैंने यहाँ पर ओपन क्यों बोला, यहाँ पे मैंने क्लोज इंटरवल बोला था, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब क्या, देखिए ये किस में है, ये ब्रैकेट में ना, ए और बी किस में, एक ब्रैकेट में, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, ओपन इंटरवल। अभी इनइक्वलिटी में इसको कैसे लिखोगे, देखिए एक्स यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्स, यहाँ पर बी और यहाँ पर ए। ठीक है, अब ये क्या है, ओपन इंटरवल में है ना, तो एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड x इज लेस देन b, मतलब x का वैल्यू a नहीं होगा, a से बड़ा और b से छोटा, मतलब देखो एग्जैक्टली इसमें क्या हो रहा था कि x के वैल्यूज a भी होंगे और b भी। ठीक है, x का वैल्यू a भी होगा और b भी होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल आ रहा था, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब x का वैल्यू a नहीं होगा, b नहीं होगा, बाकी इनके बीच में जो भी नंबर्स आएंगे वो सभी x के वैल्यूज हो सकते हैं। अब इसको नंबर लाइन पे हम कैसे दिखाएंगे, देखिए ये रहा a और ये रहा b। अब यहाँ पे देखो इक्वल का साइन नहीं आया ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक सर्कल बनाया, यहाँ पे हमने एक सर्कल बनाया। अभी इसे आपको पूरा के पूरा फिल नहीं करना है, क्यों नहीं करना है,
क्योंकि ए और बी क्या है, एक्सक्लूडिंग है, इसमें इंक्लूड नहीं है एक्स के वैल्यूज में, मतलब एक्स से छोटा कोई भी वैल्यू, एक्स से बड़ा कोई भी वैल्यू हो सकता है लेकिन ए नहीं हो सकता, वैसे ही बी से छोटा कोई भी वैल्यू हो सकता है लेकिन बी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस सर्कल का मतलब ये है, और इतने पार्ट को आप क्या कर दो, ऐसे हाईलाइट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड क्या है, देखिए, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, तो इसकी इनइक्वालिटी देखिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, एक्स बी और ए, यहाँ पर क्या है देखिए, ए के इधर देखो क्या है, क्लोज इंटरवल है ना, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एंड एक्स इज लेस देन बी, समझ में आया आपको। जब भी ये जो है ना, ये क्लोज इंटरवल आ जाता है तो हमें वहाँ पे इक्वल लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखो, ओपन इंटरवल आया था तो हमने इक्वल लगाया क्या, नहीं लगाया। यहाँ पे देखो, ये ओपन इंटरवल था तो हमने यहाँ पर इक्वल लगाया, नहीं लगाया। यहाँ पर क्लोज इंटरवल था इसलिए हमने क्या लगाया, यहाँ पे इक्वल लगाया। मतलब x का वैल्यू क्या होगा, a होगा, और a से बड़े जो भी नंबर्स होंगे वो x के वैल्यूज हो सकते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू क्या होगा, b से छोटा जितने भी नंबर्स होंगे ना वो सभी x के वैल्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर b नहीं होगा। तो अभी हम इसको कैसे नंबर लाइन पे दिखाएंगे, देखिए ये हो गया a और ये हो गया b, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, मतलब यहाँ पर देखो इक्वल आ गया ना, तो आप यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे और फिर इसको हम पूरा के पूरा ऐसे कलर कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है कि x इज लेस देन b, तो b पे एक सर्कल बनाएंगे और इसको हम कलर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल आया है क्या, जहाँ पे इक्वल आया रहेगा वहीं पे आप पूरा रिजिड ये करोगे, रिजिड सर्कल बनाओगे, जहाँ पे नहीं आएगा वैसे आप क्या करोगे, हॉलो सर्कल बना करके छोड़ दोगे, ठीक है। और इसको ऐसे आप हाईलाइट कर दो, फिर यहां पर देखिए नेक्स्ट क्या है, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, यहां पर एक्स लिख दिया, यहां पर ए और यहां पर बी। अब इधर देखिए कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन ए और एक्स इज लेस देन और इक्वल टू बी, मतलब x का वैल्यू एग्जैक्टली a नहीं हो सकता, a से बड़े जो नंबर्स होंगे वो x के वैल्यूज हो सकते हैं। और इसमें देखिए x का वैल्यू ना b हो सकता है और b से छोटे जितने भी नंबर्स होंगे वो सभी x के वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली आप समझ लो कि x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, a नहीं होगा, a से बड़े जो नंबर्स होंगे, और b होगा और b से छोटे जो नंबर्स होंगे, मतलब इनके बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सभी x के वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप कैसे दिखाओगे, देखिए यहाँ पे a आ गया, यहाँ पर b आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि x इज ग्रेटर देन a, मतलब यहाँ पे देखो इक्वल नहीं है ना, तो आप एक सर्कल बनाओगे बस, ऐसे ही छोड़ देंगे, उसको हमें पूरा फिल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है कि x इज लेस देन और इक्वल टू b, मतलब b इसमें क्या है, इंक्लूडिंग है। यहाँ पर जो a था ना वो क्या था, एक्सक्लूडिंग था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर b क्या है, इंक्लूडिंग है। तो यहाँ पर हम एक सर्कल बनाएंगे और इसको पूरा के पूरा ऐसे कलर कर देंगे और इसको ऐसे हाईलाइट कर देंगे, फिर यहां पर देखिए नेक्स्ट क्या है, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल ए कॉमा इन्फिनिट, मतलब यहां पर x का वैल्यू क्या होगा, देखिए x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, क्योंकि यहां पर देखो कौन सा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, ठीक है। और ये क्या है, इन्फिनिट, तो इन्फिनिट, तो इन्फिनिट मतलब पूरा के पूरा ऐसे आगे जाता जाएगा, मतलब x के वैल्यूज कौन कौन से होंगे, देखिए x का वैल्यू a होगा और a से बड़े जितने भी नंबर्स है वो सभी x के वैल्यूज होंगे। और इसको हम कैसे इस पर रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, a है, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक सर्कल बनाएंगे और इसको पूरा के पूरा ऐसे कलर कर देंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या आ गया, इक्वल आ गया, और a से बड़े जितने भी नंबर्स है वो सभी x के वैल्यूज होंगे। तो ये पूरा जो नंबर लाइन है ना राइट हैंड साइड का, इसको हम पूरा के पूरा ऐसे क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखिए क्या है, ओपन इंटरवल a कॉमा इन्फिनिट, मतलब x इज ग्रेटर देन a,
यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। और इसको हम ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे, देखिए जैसे यहाँ पर क्या है कि एक्स इज ग्रेटर देन ए ना, तो यहाँ पर ए है, यहाँ पे आप एक सर्कल बना दीजिए, इसको आपको पूरा के पूरा फिल नहीं करना है क्योंकि देखो यहाँ पे इक्वल नहीं आया है, और इतने पार्ट को आप पूरा के पूरा क्या कर दो, हाईलाइट कर दो, बोल्ड कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, ओपन इंटरवल फिर क्लोज इंटरवल माइनस इन्फिनिट कॉमा बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स इज लेस देन और इक्वल टू बी। यहाँ पे इक्वल कैसे आ गया, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, क्लोज इंटरवल है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, बी हो सकता है, और बी से छोटे जितने भी नंबर्स होंगे वो सभी एक्स के वैल्यूज हो सकते हैं। तो इसको आप कैसे बताओगे, देखो जैसे यहाँ पर क्या है, बी है, यहाँ पर इक्वल आया ना, तो यहाँ पर हम एक सर्कल बनाएंगे और इसको पूरा के पूरा क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, और ये पूरा नंबर लाइन आप क्या कर दो, बोल्ड कर दो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिट कॉमा बी। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स इज लेस देन बी, मतलब एक्स का वैल्यू बी नहीं हो सकता, लेकिन बी से छोटे जितने भी नंबर्स हैं वो सभी एक्स के वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे नंबर लाइन पे दिखाएंगे, देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, बी बी है, अब यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सर्कल बना करके छोड़ दोगे, इसको आपको फिल नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं आया है, और फिर इसको ऐसे हाईलाइट कर दो, क्योंकि बी से छोटे जितने भी नंबर्स है वो सभी एक्स के वैल्यूज होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए लास्ट वन क्या है, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कॉमा प्लस इन्फिनिटी। तो देखिए यहाँ पर एक्स प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पर देखिए एक्स इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन प्लस इन्फिनिटी। तो इसको आप नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट करोगे, देखिए इसका मतलब क्या हुआ ना कि जितना जो नंबर लाइन रहेगा ना उसको पूरा के पूरा आपको हाईलाइट कर देना है, क्योंकि इधर भी इन्फिनिटी उधर भी इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम पूरा के पूरा ऐसे हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने सीखा कि नंबर लाइन पे कैसे हम जो सॉल्यूशंस रहेंगे उनको प्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक और चीज़ देखना है, क्या देखना है, बाउंडेड इंटरवल और अनबाउंडेड इंटरवल। तो बाउंडेड इंटरवल मतलब क्या और अनबाउंडेड इंटरवल मतलब क्या, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो है ना, कहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक, ये क्या है, बाउंडेड इंटरवल है। देखिए यहाँ पर मैं लिख रही हूँ बाउंडेड इंटरवल्स, ये सभी हैं, मैं आपको बताती हूँ कैसे, पहले लिख लेती हूँ तब। ये सभी हैं बाउंडेड इंटरवल्स और ये सभी क्या है, अनबाउंडेड इंटरवल्स। देखिए ये सभी क्या है, अनबाउंडेड इंटरवल्स। अब बाउंडेड इंटरवल मतलब क्या, जैसे देखो यहाँ पे जितने भी हम यहाँ पे देख रहे थे नंबर लाइन पे, देखो क्या हो रहा था कि ए और बी यहाँ पे आ रहा है, ए और बी, मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा कि वो पूरा इन्फिनिटी तक जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, मतलब ये सभी क्या है, बाउंडेड इंटरवल्स हैं। जैसे देखो यहाँ पर ए और बी, फिर यहाँ पर ए और बी, फिर यहाँ पर देखो तो ये कैसे राइट हैंड साइड में ये पूरा के पूरा जाते जा रहा है, फिर ये देखो ये भी कैसे जाते जा रहा है, फिर ये लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे जाते जा रहा है, मतलब ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, तो ये सभी क्या है, अनबाउंडेड इंटरवल्स है। और शॉर्ट में आप समझ के रखना, देखो जिसमें भी ना ये आ जाता है क्या, इन्फिनिटी आ जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो अनबाउंडेड इंटरवल्स, ठीक है, और जहाँ पे इन्फिनिटी नहीं आता है वो हो जाता है बाउंडेड इंटरवल्स, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा, बेसिक। अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा,
और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।